आप फिल्मों में ही देख लो, जब सिंघम बोलता है आता माझी सटक ली तो जयकांत शिकरे डर जाता है, जब चुलबुल पांडे कहते हैं थप्पड़ मार देंगे, हीरोइन कहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है चेप ना हो जाना तुम। तो गाइज तो थोड़ा तो उसने बता दिया, बाकी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व वाजपेयी है और मैं रीवा से हूँ। रीवा बता किसी को, सेट सिटी इन एमपी, इट्स एट एमपी यूपी बॉर्डर, तो मतलब मेरे घर से 30 किलोमीटर भी यूपी शुरू हो जाता है, तो आप ऐसा समझ लो कि मैं भैया बनने से 30 किलोमीटर से बचा हूँ बस। और रीवा के बाद मैं कई शहरों में रह चुका हूँ और मुंबई में हूँ पिछले 3-4 सालों से। मैंने देखा कि हर शहर की एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, लाइक दिल्ली हैज सेफ्टी इशू, बैंगलोर हैज ट्रैफिक इशू, कानपुर हैज ऑल द इशूज, बट मुंबई इज डिफरेंट है ना। मुंबई हैज इशूज बट मुंबईकर्स डोंट हैव इशू विद दोज इशूज। वो तुमको बोलेंगे एक बार विरार लोकल एक्सपीरियंस करो, फिर बोरीवली उतरने का ट्राई करना। मुंबई के लव देयर प्रॉब्लम सो मच कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव सा निकनेम दे देते हैं, जैसे मुंबई में बाढ़ को बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यहां गरीबी को बोलते हैं स्ट्रगल, और अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं मॉडलिंग। देयर इज एन ऑप्टिमिस्ट, देयर इज अ पेसिमिस्ट, एंड देन देयर इज अ मुंबईकर। ऑप्टिमिस्ट को आधा ग्लास दिखाओगे बोलेगा आधा भरा है, पेसिमिस्ट बोलेगा आधा खाली है, मुंबईकर बोलेगा बराबर है। ये लोग अपनी बसेस को बेस्ट बसेस कहते हैं। आप लोग अभी बैठे हो बेस्ट बस में, बैठे हो क्या, वो है बेस्ट बस? आप लोग बैठे हो शायद, मैं सिर्फ खड़ा हो पाया हूं। मैं जब मुंबई में नया नया आया था, मैंने देखा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मैंने कहा इसकी चौड़ाई के हिसाब से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ज्यादा नहीं हो गया? बहुत इज्जत देनी थी इसको, चौड़ी सड़क कह सकते थे। मेट्रो खुदने के बाद चौड़ी गली से ज्यादा क्यों हो गया? ऊपर से लिख रखा है स्पीड लिमिट 80। मैंने कहा लिमिट है, चैलेंज है। मैं रिसेंटली पुणे शिफ्ट हुआ हूं, मैं पुणे गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुंबई मुझे जितना गरीब फील करा रहा उतना मैं हूं नहीं। मैं भी पूरा घर रेंट पे ले सकता हूं, मैं अंधेरी में नहीं अंधेरे में रह रहा था। अब समझ में आया कंडक्टर क्यों बोलता था पुणे चला पुणे चला। जब मैं नया नया पहुंचा था तो मुझे ब्रोकर ने बोला घर दिखाने के लिए, बोला घर के बिल्डिंग के सामने पहुंचे मैं वहीं मिलूंगा आपको। बिल्डिंग का नाम था स्काई हाइट्स, 3 फ्लोर थे उसमें। मुंबई में मेरी बिल्डिंग का नाम था लेक होम्स, 25 फ्लोर थे उसमें। उसके अलावा बाकी चीज़ बता दूँ मैं अपने बारे में, मेरा सरनेम वाजपेयी है, और क्योंकि मेरा सरनेम वाजपेयी है तो कई बार क्या होता है मैं जोक सोचने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे भारत कल्याण के आइडियाज आने लगते हैं। तो कल मैं एक जोक सोच रहा था और मुझे बहुत गजब का भारत कल्याण का आइडिया है। आइडिया ये है, आइडिया का नाम भी रख दिया मैंने, आइडिया का नाम है OPOL, वन प्रोफेशन वन लैंग्वेज। इस आइडिया में हम क्या करेंगे, हर प्रोफेशन को एक लैंग्वेज असाइन करेंगे और उसके पहले फेज में पुलिस की लैंग्वेज मराठी कर देंगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इससे क्राइम कम होगा। आपको क्यों लगता है पाकिस्तान में इतना क्राइम कम? वो चोर को बैठा के बोलते हैं जनाब आपने गुनाह क्यों किया? फरमाइए जनाब आपने गुनाह क्यों किया, अब घंटा बताने जनाब। जनाब बोलेंगे पहले रूह अफजा लेके आओ। मराठी लगता है एक भी लैंग्वेज नहीं, मराठी में चोर बैठा है पुलिस वाला आया अभी उसने इंटरोगेशन शुरू किया, ए गेहूं जात मतलब बता रहा हूं बता रहा हूं। मराठी में इंटरोगेशन की बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे सेंटेंस शुरू करने के लिए चाइला चमाइला, सेंटेंस खत्म करने के लिए कुतरिया हलकट मुर्ख,
सरनेम से भी फर्क पड़ता है. अगर मैं आपको बोलूं अभी तावड़े जी आके आपको तोड़ेंगे तो आप डरोगे? और यही मैं कह दूं अभी त्रिपाठी जी आके आपको मारेंगे, बुलाओ त्रिपाठी जी को. कविताएं सुनाएंगे त्रिपाठी जी. चर्चा करेंगे. तोड़ेंगे तो नहीं, है ना. आप फिल्मों में ही देख लो, जब सिंघम बोलता है आता माझी सटक ली तो जयकांत शिकरे डर जाता है. जब चुलबुल पांडे कहते हैं थप्पड़ मार देंगे, हीरोइन कहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब. प्यार से लगता है चेप ना हो जाना. तो और ऐसा नहीं कि बिहारी भोजपुरी में हड़काते नहीं, वहां भी हड़काते हैं. लेकिन कैसे हड़काते हैं देखिए, हम आपको उठा के पटक देंगे तो मर जाइएगा. अब जिसको बिहारी में पता ना हो कैसे बोलते, बोलेगा लगता है रिक्वेस्ट कर रहा है. मैं आपको पटकूंगा, प्लीज मर जाइएगा. रिस्पॉन्स क्या बोले, हाँ ठीक है आप पटकिए, मैं कोशिश करूंगा. अब क्योंकि अब मैंने आपको योजना बताई थी ओपीओएल, उसके फेज टू में, क्योंकि भोजपुरी बहुत पोलाइट लैंग्वेज है तो हम भोजपुरी को सर्विस इंडस्ट्री की लैंग्वेज बनाएंगे. क्योंकि इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे. पहला फायदा ये होगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री में यूनिफॉर्मिटी आएगी, चाहे एयर हॉस्टेस हो चाहे चाय की टपरी हो, वो सेम लैंग्वेज बोलेंगे, चलीजिएगा सैंडविच खाएंगे. और दूसरा फायदा ये होगा कि जो बाहर से विदेशों से गेस्ट आएंगे उनको थोड़ा अपनापन महसूस होगा. मतलब आपने देखा होगा भोजपुरी में हल्का सा ब्रिटिश एक्सेंट होता है. नहीं नोटिस किया आप लोगों ने? आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. एक गाना है, ओ राजा राजा राजा, सुना आप लोगों ने? ओ राजा 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 कोरेजा में समाजा, करेजा नहीं कोरेजा, बिकॉज ब्रिटिश एक्सेंट. और आप देखो अंग्रेजों को इसलिए भी अच्छा लगेगा कि भोजपुरी इंग्लिश काफी साथ में जाते हैं, गो वेल टुगेदर. आप देखो इतने सालों से अंग्रेज गाने बना रहे थे, इंग्लिश में गाने बना रहे थे, लेकिन एक भोजपुरी वाले के ही दिमाग में आया कि लिपस्टिक और डिस्ट्रिक्ट राइम करते हैं. है दोनों इंग्लिश शब्द, लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट. थैंक यू दोस्तों. तो आपने वीडियो का एंड तक देख लिया है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा. मैं आपको फुल अथॉरिटी दे रहा हूँ, जिसके साथ शेयर करना है आप कर सकते हो. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अब बहुत रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ. और आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. और मैं कुछ लाइव शोज भी करूंगा अभी, तो उनकी टिकट की लिंक्स वगैरह पता करनी है तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा. तो बाकी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर तो मिलना जुलना होता रहेगा, तो फिर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच.